नमस्कार बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैं राजू राणा सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ बच्चों। और बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहो घर पे। और वेरी गुड बच्चों, है ना? ऐसे ही तरीका से आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और घर पे पढ़ते भी रहें साथ में बच्चों। देखो बच्चों, आज हम जो आपको पढ़ाएंगे, 6th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है, चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसकी व्याख्या हम आपको पहले से करा चुके हैं बच्चों, और इसके क्वेश्चन आंसर आज हम आपको कराएंगे। यदि आपने इससे पहले के वीडियो जो सॉल्यूशन हम लोगों ने कराए हैं और प्लस व्याख्या कराई है, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ की प्लेलिस्ट देख के बाकी के वीडियो को भी आप देख सकते हो बच्चों। तो अभी हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। कविता है ये हमारी, चांद से थोड़ी सी गप्पे, है ना? इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे है, सामने है आपका। कविता में आप पहने हुए और कुछ कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? यानी कुछ पहने हुए, कविता में आप पहने हुए कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है बच्चों, है ना? कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की चांद तारों से जुड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। यानी कि चांद को बता रही है, चांद के बारे में कहना चाहती है कि तुम तो आसमान की जो चादर है उसको ओढ़ के बैठे हुए हो। जिस तरीका से आसमान बहुत बड़ा है और चांद छोटा सा दिखाई देता है उस आसमान में, तो वो पूरा चादर ओढ़ के तुम बैठे हुए हो। उस चादर के अंदर तुम क्या कर रहे हो? चमक रहे हो। इस तरीका से ओढ़ के बताया गया है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? जब वो बोलती है चांद से, क्या क्या तुमने मुझे को बुद्धू समझा हुआ है ना, इस तरीके की कहती है, तो लड़की वो क्या कहना चाहती है वो बताया है। हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की, हम बुद्धू नहीं है जो आपकी बीमारी ना समझ सकें। यानी जब चांद छोटा बड़ा होता है तो उसकी बीमारी के बारे में लड़की बोलती है कि हमें पता है हम बुद्धू थोड़ी ना है, ये तो आपकी बीमारी है। कभी बड़े हो जाते हो, कभी छोटे हो जाते हो ना, इस तरीके की तो क्या है तुम्हारे अंदर बीमारी है, आप बता नहीं रहे हो, तो क्या हम बुद्धू हो गए हैं, क्या हम समझते नहीं है इस चीज़ को? इस तरीका से वो लड़की उसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, है ना? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आशय बताना है इस लाइन का, क्या आशय क्या है? यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यानी कि ये मरज है, यानी कि जो बीमारी है आपकी, कौन सी? छोटे साइज में छोटे होने की और बड़े होने की। ये बीमारी तो आपकी सही होने का नाम ही नहीं ले रही है ना? तो उस तरीके का बच्चे उसमें आंसर बताया है। कवि के अनुसार चांद को कोई बीमारी है जिसके कारण ये घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। ये बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है बच्चों। यानी कि कवि कहना चाहते हैं, यानी वो लड़की कहना चाहती है कि आपके अंदर जो बीमारी है वो कभी छोटा होने की है, कभी बड़े होने की है। छोटे होते हो तो छोटे होते ही चले जाते हो, बड़े होते हो तो फिर बड़े होते ही चले जाते हो। ये बीमारी है आपकी, ये अभी काम अंत होने का नाम नहीं ले रही है, ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। 4 नंबर को देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन को। कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाएं और इसके कारण भी बताओ बच्चों, है ना? तो इसका कारण बताना है, कौन से दिन इनको खूब लगाई होंगी, इन्होंने गपशप लड़ाई है वो कौन से दिन लगाई है, तो उस चीज़ को बताया गया है बच्चों इसमें। देखो इसका आंसर है, गोल है खूब मगर, है ना? गोल है खूब, यानी तो पूरा गोल है ना? तो उस तरीके का मतलब आप तिरछी नज़र आते हैं जरा अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, चूंकि कविता में इन उपयुक्त पंक्तियों का प्रयोग किया गया है, जिससे पता चलता है कि चांद अभी तो गोल है तो है पर पूरी तरह से नहीं। यानी यहाँ पूर्णिमा से कुछ दिन पहले का वर्णन किया गया है। यानी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा है वो पूरा चांद होता है ना, वो पूरा हो जाता है, फुल हो जाता है ना? लेकिन इससे कुछ दिन पहले का उसने वर्णन किया गया, हो सकता है 2 दिन पहले का हो, 3 दिन पहले का हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बताया गया है। देखो यार, गोल है खूब मगर तिरछे नजर आते हो, यानी गोल तो हो तुम पूरे लेकिन अभी क्या कम नजर आ रहे हो बच्चों। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, ये है। इस कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की छवि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने हैं बने। इस कविता में अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों का
लगभग अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहेंगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाना है आपको, है ना। इस तरीके का इस चैप्टर के अंदर क्या है, किस किस शब्दों को बिंब का तस्वीर का यूज किया गया है, यानी कि बिंब होते हैं ना उसको तस्वीर कहते हैं, यानी कि तुक वाला या कोई भी छंद वगैरह का यूज नहीं किया है, लेकिन इसमें कुछ अलग ही है। जैसे गोल है, गोल को हम लोग गो और ला लिख सकते हैं, तिरछे तिरछे लिख सकते हैं बच्चों, इस तरीके के इनको वर्डों को लिख सकते हैं बच्चों। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे, ये बच्चों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करा देता हूँ इनको अंडरलाइन करके। देखो ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, है ना, ये उसका आंसर हो गया बच्चों। क्या है, ये आंसर हो गया उसका। इस वीडियो को आप स्टॉप करके पुश करके भी इन वीडियो क्वेश्चनों को आंसरों को आप नोट कर सकते हो बच्चों अपनी नोटबुक में। तो आपको ये नोट करने ही है बच्चों अपनी नोटबुक में, ना। ये सेकंड नंबर का है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है और ये उसका आंसर हो गया बच्चों। ये देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन हो गया बच्चों, है ना, और इसके नीचे इसका आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो आपको ये लिख लेना है, ये क्वेश्चन है इसका और ये नीचे वाला ये यहाँ से आंसर है, कवि के अनुसार ये वाला है ना, ये इसका आंसर है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, ने इस तरीके से आप नोट कर लेना है। ये फोन नंबर का क्वेश्चन है ना, और ये इसका आंसर है बच्चों। क्या है, ये आंसर है। तो इसको वीडियो को स्टॉप कर लेना है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद बड़े आसानी से आप इनको नोट डाउन कर सकते हो बच्चों, है ना। और देखो ये पांचवे क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है बच्चों, है ना। देखो ये दिया रखा है ना आपका, पांचवा क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे है आपकी पे, इसको नोट डाउन कर लेना है आपको, है ना। और अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। नीचे की तरफ 2 लाइन में आंसर है, गोल और तिरछे, बस 2 शब्द का ही आंसर है ना। तो बच्चों इस तरीका से ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है, चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने बच्चों आपको पूरे करा दिए हैं। यदि इससे पहले के वीडियो हो जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर आपने नहीं देखे हैं बच्चों, तो आप सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल के ही यूट्यूब चैनल पर जाके उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप देखते हो, 7th क्लास में जाके, 6th क्लास में जाके आप देखते हो वहाँ पर, तो आपको वो सारे वीडियो वहाँ पर आप उपलब्ध हो जाएंगे बच्चों, है ना। तो आगे की जानकारी के लिए बच्चों, आगे के और वीडियो आपको मिलते रहें इसकी जानकारी के लिए बच्चों, सबसे पहले आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बच्चों, लाइक करना है बच्चों, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है बच्चों। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्यों, क्योंकि इस तरीके के वीडियो हैं जो आपको मिल रहे हैं, ऐसे बच्चे और बच्चों को भी मिलते रहें, इसलिए आपको आपके साथ में जितने भी क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके साथ में 6th क्लास में पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले होंगे, उन बच्चों को इस वीडियो को आपको जरूर पहुंचाना है बच्चों, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है बच्चों, जिससे बेल आइकन को भी प्रेस करना है बच्चों, जिससे आपकी जितने भी वीडियो हम लोग यहाँ से पोस्ट करेंगे तो वो बच्चों आपके पास पहुँच जाएंगे। तो बच्चों घर पे भी रहना है, सुरक्षित रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रहना है बच्चों आपको घर पे, और मास्क और प्लस सैनिटाइजर का यूज करते ही रहना है बच्चों, है ना बच्चों। तो रेडी रहना बच्चों है, आपकी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और घर पे भी बड़े अच्छे तरीका से आपको डिसिप्लिन से रहना है, अभी उदम बंद करना है बच्चों, है ना, इस लॉकडाउन के समय में। तो बच्चों थैंक यू बच्चों।